भाइयों और बहनों, आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि देश में जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसके लिए ये मोदी इतने पैसे लाता कहां से है। चारों तरफ विकास का चांद चल रहा है, इतने पैसे मोदी लाता कहां से है? मैं बताता हूं मोदी पैसे कहां से लाता है। पहले पैसे कहां जाते थे और आज कहां जाते हैं वो भी बताता हूं। हमारे देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी भी नहीं रही है। ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती थी। कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है, 1 रुपया अगर भेजती है तो 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। साथियों, बीजेपी सरकार ने बीते 9 वर्षों में जो देश का इतना विकास किया है वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की लूट के रास्तों को ही बंद कर रही है।